बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वाइट पुलाव की रेसिपी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। बिरयानी में तो टमाटर डलते हैं, तो इसमें टमाटर नहीं डलते, ये सिर्फ गरम मसाले का ही बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल भिगोएंगे। हमने 1/2 kg चावल लिए हैं, इसको धो के हम भिगो लेंगे। अब हम 1 tablespoon ज़ीरा, जायफल, जावित्री, थोड़ी थोड़ी सी, आप देखें हमने कितनी कितनी ली है, 1 tablespoon धनिया, 1 tablespoon सौंफ, 5 से 6 अदद लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची, 5-6 हरी मिर्चें, इन सबको चॉप कर लेंगे हम। इसका पेस्ट बना लेंगे। इसकी यखनी नहीं बनती, ये सिर्फ है ना भुनकर ही बनती है बिरयानी, कि चिकन को भूनकर आप बना लें बस जल्दी से और झटपट बन जाती है ये बिल्कुल। देखें इसका मसाला, कब मैं पेस्ट बना रही हूँ, ये पेस्ट बन गया है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने तक पकाएंगे। फिर हमने प्याज कटिंग करी हुई है, देखें हम प्याज डाल देंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे। अब हमने 1 tablespoon ज़ीरा लिया है, हमने वो डालेंगे, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 5 से 6 अदद लौंगे और काली मिर्चें, 7-8 अदद, इन सबको भून लेंगे। अब देखें चिकन हमने 400 ग्राम ली है। अब इस चिकन को हम भूनेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये वाइट वाइट हो जाए। इसमें जो हमने मसाला पेस्ट किया था हम वो डालेंगे। फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको भून लेंगे। अब इसको ढक के पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। इसमें नमक जाएगा, काली मिर्चें जाएंगी और प्याज कटिंग हुई भी जाएगी, कच्ची प्याज जो होती है। अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखें भुनाव पे आ चुकी है। अब इसमें दही डालेंगे हम 1 प्याली भर कर। फिर हरी मिर्चें 4-5 अदद, हरा धनिया, पुदीना कटिंग किया हुआ। अब इसको भून लेंगे इसका पानी ड्राई होने तक। फिर हम इसमें चावल डालेंगे, देखें कितनी जल्दी से बन गई है। इसे पुलाव कहते हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं। अब देखें चावल चलेगा इसमें। चावलों में इतना ही पानी रखते हैं जितने चावल गल जाएं। इसमें से हमने ऊपर से हरी मिर्चें डाली, पुदीना। इसमें जर्दे का रंग भी नहीं डलता क्योंकि वो बिरयानी में डलता है। और नमक टेस्ट कर लीजिएगा कि फीका ना हो, क्योंकि फीकी बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखिए हमारे चावल भी गल गए हैं बिल्कुल। अब इसको हम दम पे लगाएंगे बस इसका पानी ड्राई हो जाए। फिर इसको 10 से 15 मिनट दम पे लगाते हैं। ये दम पे भी लग चुके हैं माशाल्लाह से, देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें इसका फाइनल लुक, देखें आप कितनी खूबसूरत सी लग रही है ये। और ये बनी भी बहुत मज़े की थी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करेगा। और बहुत ईजी रेसिपी है ये, ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आज मैंने सैलेड नहीं बनाया, बस कोकम्बर और दही लिया था, उसके साथ ही बहुत मज़े की लग रही थी। आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।